नमस्कार दर्शकों, मैं गौरी महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आपका स्वागत करती हूँ। अश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न होती है। धर्मग्रंथ के मुताबिक कोजागिरी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यही वजह है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना का खास महत्व होता है। धर्मग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी विशेष प्राप्ति होती है। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन निशिता काल में माँ लक्ष्मी की पूजा अत्यंत फलदायक होती है। आइए जानते हैं कोजागिरी पूर्णिमा के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार कोजागिरी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। माँ लक्ष्मी दिवाली से पहले कोजागिरी पूजा के दिन रात में भ्रमण के लिए निकलती है। इस दौरान वो यह देखती है कि कौन जाग कर उनकी पूजा कर रहा है। ऐसे में जो कोई इस दिन रात में निशिता काल के मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। कहा जाता है कि इस दिन घर को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश और वास हो सके। कोजागिरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद किया जाता है। निशिता काल में अष्टलक्ष्मी की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। कहा गया है कि इस दिन खीर का एक पात्र में साफ कपड़े में बांधकर चंद्रमा की रोशनी में रात भर के लिए रख देने चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कोजागिरी पूजा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए पधारती है। इस दौरान वो पूछती है कि कौन जागृत, यानी कौन जाग रहा है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो कोई कोजागिरी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाता है, उसे आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के धार्मिक विशेष में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।